वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। तो आज जो है बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर, बिल्कुल लेटेस्ट जो न्यूज़ है उसको लेकर हम आप सभी के साथ आए हैं। योनिक क्लासेस की तरफ से आप सभी को बताया जा रहा है लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है SOSC का, यानी कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड जो एक्सलेंस है, उसने अपना लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन, आप डेट भी यहाँ पर देख सकते हैं, कल ही का नोटिफिकेशन है और आज ये वीडियो बन रही है। और इसमें जो है SOSC ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। मेनली आज जो ये वीडियो है इसमें आपको पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी और आपकी करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, कब आप करेक्शन कर सकते हैं, और आपका जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो भी जो है इन्होंने अपनी आगे बढ़ा दी है। तो उन सब के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया यूनिक क्लासेस को कर सकते हैं, तैयारी करवाई जाती है यहाँ पर स्टैम की, FPS की, ह्यूमैनिटीज़ की, और इसी के साथ साथ लेटेस्ट न्यूज़ जो है आप सभी को दी जाती है और आपकी हर क्वेरी सोल्व की जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो मेन है आपका, और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन जैसे निकाले हैं SOSC ने, वो सब कुछ हम जो हैं अपने इस चैनल पर, बिल्कुल आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब अच्छी तरीके से आपका जो है यहाँ पर करवाया जाएगा। देखो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है तो पता चल गया है, ये सर्कुलर में साफ तौर पर देखो जैसे हाईलाइट करके यहाँ पर बता रखा है मैं साफ तौर पर कि एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन क्लास 11th ऑफ डॉक्टर B.R. अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सलेंस स्टैम ह्यूमैनिटीज एंड AFPS ओनली अप टू 30 जून 2023। यानी कि आपका एक्सटेंशन कर दी गई है, डेट जो है लास्ट डेट जो थी एप्लीकेशन फॉर्म की वो बढ़ा दी गई है, और वो कितनी कर दी गई है, वो आपकी 30 जून, यानी कि अब जो है आपके फॉर्म 27 जून जो है वही लास्ट डेट थी पहले, अब ये नहीं रही है, लास्ट डेट आपकी 30 जून हो चुकी है। इसका मतलब आप सभी यहाँ पर समझ रहे हैं 30 जून का मतलब यहाँ पर क्या है, 30 जून कर दी गई है, इसका मतलब आपका जो एग्ज़ाम है वो भी थोड़ा आगे बढ़ जाए, बढ़ जाने की पूरी संभावना यहाँ पर देखने को मिल सकती है हमें, यानी कि पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आगे थोड़ा सा और आगे हो सकता है। जैसे मैंने बताया था, एक सर्कुलर आया था SOSC की तरफ से, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका एग्ज़ाम है उन्होंने कहा है 2nd week ऑफ जो जुलाई है उसमें होगा, ठीक है, उन्होंने ये बोला था साफ तौर पर। अब जो है हो सकता है 2nd week के लास्ट में एग्ज़ाम हो सकता है 2nd week के फर्स्ट में एग्ज़ाम हो, तो ये हम नहीं कह सकते। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मुझे कि मैम मैंने तीनों के तीनों नॉमिन फिल कर दिए हैं, तो अब जो है एग्ज़ाम एक ही दिन होगा या अलग अलग होगा। देखो इस बारे में पहले भी बात बता चुकी हूँ आपको, और हमेशा मैं रिप्लाई करती हूँ आपका इसको लेकर, ये जो क्वेश्चन है इसको लेकर, तो मैं सोच रही हूँ ये सारे बच्चों का डाउट है, तो चलो मैं इसी वीडियो में कवर कर दूँ। आपके हर डोमेन के जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग होते हैं, तो बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। और इसके साथ जो SOSC ने ब्लूप्रिंट अपना निकाला है उसकी वीडियो भी आपके यूनिक क्लासेस पर आ जाएगी, बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा कहाँ से किस तरीके से कवर करना है। हम केवल जो है यहाँ पर वो सर्कुलर या नोटिफिकेशन जो है ब्लूप्रिंट को रीड करके नहीं बताएंगे, आपको बताएंगे कहाँ से किस तरीके से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, अब देखो 30 जून 2023 जो है लास्ट डेट है, अगर कोई भूला बिसरा भी आपका बैठा हुआ है उसको भी बता दो भाई उसका जो है अब फॉर्म फिलिंग की डेट जो है यहाँ पर बढ़ चुकी है, ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पर साफ तौर पर। अब देखो यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पर साफ तौर पर यही चीज़ बोल रखी है ऊपर भी, फिर इन्होंने बोला है यहाँ पर एडिशनली, इन्होंने बोला है यहाँ पर जो करेक्शन विंडो विल बी ओपनड अनटिल जो है 3rd July of 2023, यानी कि आपकी जो करेक्शन विंडो है वो 3 जुलाई 2023 को ओपन होगी। तो इसका मतलब साफ तौर पर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपके किसी भी नाम में, अपने फादर के नेम में, अपनी मदर के नेम में, आपके खुद के नेम में, आपके स्कूल, अगर आपने कोई गलत फिल कर दिया है या फिर आपने कोई भी मिस्टेक कर दी है, आप जर्नल कैटेगरी से आपने OBC भर दिया है या फिर आपका OBC का सर्टिफिकेट नहीं बना है अभी तक और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बनने की, फिर भी आपने OBC फिल कर दिया, तो उसको भी ठीक कर सकते हैं, और यहाँ पर एक बार ही ठीक कर सकते हैं, बार बार ठीक नहीं कर सकते करेक्शन विंडो में। तो ध्यान से अपने फॉर्म को देखना है, और हर किसी को मैं यही बोलूँगी जिसकी ठीक भी है, चाहे उसे लग रहा है कि उसका फॉर्म बिल्कुल ठीक है, फिर भी वो करेक्शन विंडो जो है उसका फ़ायदा उठाए और दोबारा से फॉर्म को चेक करें, रीचेक करें, अगर कहीं पर कोई भी मिस्टेक है तो प्लीज़ ठीक कर लेना, क्योंकि SOSC गलती का मौका नहीं देता है। अगर आप किसी भी वजह से, अगर आप जो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर भी कर लेते हैं, अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ है और वो लेकर आपका डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर रहा है, तो आपको उस एग्ज़ाम से, यानी कि आपको SOSC से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये बात आप समझ रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी ये, मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी,
अगर लगी तो आप सभी क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं योनी क्लासेस को, और इसी के साथ कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। और अब जो है कल क्लास नहीं हुई थी आपकी, बट आज होगी आपकी, तो बिल्कुल आप जो है आके गड़ाए बैठे रहिए यूट्यूब पर जो योनी क्लासेस हैं, क्योंकि मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है कि मैं कब अपलोड करूँगी क्लास, आपके प्रिपेयर कर दी है मैंने और आज आ जाएगी आपकी। टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम की आईडी है योनी क्लासेस के नाम से, उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि कहीं से भी कोई भी नोटिफिकेशन आपका छूटना नहीं चाहिए, कहीं पर कोई न्यूज़ जो मैं आपको बता रही हूँ वो नहीं छूटनी चाहिए। अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट, जो भी वीडियो होगी आपकी उसमें या फिर क्लास होगी उसमें, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट में। तो अब जो है अपनी तैयारी में भाई जुट जाओ, जैसे ही ब्लू प्रिंट आ गया इसका मतलब क्या है, आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया 2nd week of July तो मान के चलो। तो अब जो है हम मिलते हैं नेक्स्ट जो भी वीडियो क्लास होगी, तब तक के लिए टेक केयर और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।